अपने बेगम साहब जी, आपने वो ताई अम्मा वाला नुस्खा ढूंढ लिया जी? क्यों, तुमने क्या करना है वो ताई अम्मा वाला नुस्खा? वो जी मैंने क्या करना है वो ताई अम्मा वाला नुस्खा, वो ना असल में नहीद बीबी साहबा का फोन आया जी। नहीद का फोन आया? हाँ जी। चलो तो मैं खुद बात कर लेती हूँ। अच्छा जी। हेलो नाहिद। हाँ आलिया, तुम्हें पता है अभी एहसान की सेक्रेटरी आई थी। अच्छा। कहने लगी कि एहसान की चाबियां लेने के लिए आई हूँ, दूसरे कोर्ट में रह गई है। सीधी वार्डरोब के पास गई, कोट निकाला, उसमें से चाबियां निकाली और ये जा और वो जा। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना नाहिद, तो पीछे से चुटिया पकड़ के रोक लेती उसे। चुटिया ही तो नहीं है उसका मक की, बॉयकट करा रखा है उसने। चलो फिर तो तुम्हारी मजबूरी थी ना, लेकिन जिस रोज तुम्हारा शक यकीन में बदल जाए ना, गोली से उड़ा देना उस तंबा। हाय आलिया, गोली की आवाज सुनकर तो मेरी जान ही निकल जाएगी। क्यों, गोली उसे लगेगी ना तो जान भी उसी की निकलेगी। मगर बाद में फांसी तो मुझे ही लगेगी ना। अरे कहां, ये साबित करना तो वकील के दाएं हाथ का खेल होता है कि गोली इत्तेफाक से चल गई। अलबत्ता इसके लिए वकील के बाएं हाथ पे बहुत से नोट रखने पड़ते हैं। इसीलिए तो आलिया तुम्हें कहती हूँ कि प्लीज मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सांप को मारने का और लाठी को बचाने का मेरा कोई खास तजुर्बा नहीं है, इसलिए प्लीज तुम किसी और से मशवरा करो। हाँ ओके बाय। पुराने वक्तों में सुना था कि बीवी पांव की जूती होती है, जब चाहो उतार दो जब चाहो बदल लो। लेकिन एक मेरी बीवी है, जूती तो बड़ी दूर की बात है, वो तो पांव की ऐसी बेड़ी है कि बिना इजाजत कहीं जाने भी नहीं देती। गुड मॉर्निंग सर, एक मरतबा फिर से गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, वो कैंसिल हो गई मेहंदी की रस्म? नहीं नहीं। अबे नहीं यार, असल में तेरी ये यतीमा वाली शक्ल मुसलसल हमारी आंखों के गिर्द घूमती रही। और तुम्हारा वो जुमला हमारे कानों में गूंज रहा था कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड। तो तुम्हें तो पता है कि अंग्रेजी हमारी कमजोरी है। तो फिर हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि शाजिया भाभी को फोन करके कहेंगे कि वो आलिया भाभी और नहीद भाभी को रात के खाने पर इनवाइट कर लें और देर तक उन्हें वहां मसरूफ रखें, ताकि तुम हमारे साथ फंक्शन में शरीक हो सको और तुम्हारी भूखी प्यासी रूह अपनी पसंद की गिजा खा सके। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या दिमाग है। इस तरह जहीर की बीवी की जो तन्हाई है ना, वो भी दूर हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, एक मिनट जरा। ओ मेहंदी ता सजती जे नचन मुटे दी यार भाई, मेरे मेरे भाई। बस 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 यार, रात को सब कुछ करना है यार, रात को करेंगे ना अभी, बस कर। अब तू एक बात याद रख, देर ना करेंगे यार। अब तो मैं सर के बल चल के आऊंगा। सर के बल चल के ना, वहां की सड़कें बड़ी टूटी फूटी है, ठीक है। और जाहिल आदमी, मैं महावरा बोल रहा था। चलो जाओ अब, चलो तू भी क्या शुरू है। दो पत्ते अनार। सलाम अलैकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम गुलामू, वो आलिया कहाँ है? वो देखे ना बीबी जी, जब साहब जी दफ्तर से घर आते हैं ना घबराए हुए, तो उनको भी बीबी जी नजर नहीं आती है। वो देखें। हाँ आ जाओ नाहिद, यहाँ हूँ। ओहो आलिया तुम यहाँ बैठी हो, कहो खैरियत है ना? ओहो आलिया खैरियत ही तो नहीं है। क्यों, क्या सांप भी बच गया और लाठी भी टूट गई? अरे नहीं, वो एहसान का चपरासी आया था अभी और कहने लगा कि दो आदमियों का लंच दे दे। शुक्र करो कि उसने ये कहा कि दो आदमियों का लंच दे दे। अगर वो ये कह देता कि एक आदमी का और एक औरत का लंच दे दे, तो तुम क्या कर लेती? आलिया मुझे पूरा यकीन है ये एहसान ना अपनी सेक्रेटरी के साथ ही रोजाना लंच करते। देखो तुम जो हर वक्त हसद की आग में जलती रहोगी ना, तो जो तुम्हारी शक्ल की खूबसूरती है सारी खत्म हो जाएगी और बाहर जाके सर्जरी कराने से भी वापस नहीं आएगी। अरे तुम अक्सर कहा करती हो ये मर्दों की नफ्सियात हमारे घर की लौंडी। हाँ इसने क्या शक किया? अच्छा तो फिर इस लौंडी से कहो ना कि एहसान पर कोई ऐसा जादू करे कि वो फिर से मेरे हो जाए। गुड आइडिया, ऐसा करते हैं कि एहसान भाई को नफ्सियात की मार मारते हैं। तुम ऐसा करना कि जब एहसान भाई के घर आने का वक्त हो ना, तो तुम घर से गायब हो जाना। अच्छा तो क्या गायब होने के लिए तुम किसी सुलेमानी टोपी का बंदोबस्त कर दोगे? ओए हाय, मेरा मतलब है नहीं कि तुम घर से बाहर निकल जाना, ताकि उन्हें तुम्हारी कमी महसूस हो, तन्हाई महसूस करें, उन्हें घर खाली खाली लगे। सच आलिया, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, ये भी आजमाया हुआ नुस्खा है। अच्छा तो फिर तुम मुझे आज शाम ही कहीं ले चलो। मैं ले चलूं? हाँ चलो, ऐसा करते हैं कि शाजिया के घर चलते हैं, जहीर भाई भी घर पे नहीं है, उसका भी वक्त अच्छा गुजर जाएगा। अच्छा तो फिर अभी चलते हैं इसी वक्त। अभी नहीं, अभी मैं सब फोन कर देती हूँ कि हम शाम को आएंगे।
शाम को? लेकिन तुम शाम को एहसान भाई के आने से पहले घर से निकल आना। हेलो। हाँ भाई शाजिया, मैं आलिया बात कर रही हूँ। हाय आलिया भाभी, आप यकीन करे मैं आपको फोन करने ही वाली थी। देखा मैंने, फिर तो मैं पहले फोन करके फर्स्ट पोजीशन ले ली। दरअसल मैं नर्सरी से फर्स्ट आने की आती हूँ। हाँ इस वक्त तो आप बाजी ले गई हैं। अच्छा ये बताओ शाजिया, शाम को तुम क्या कर रही हो? आज शाम तो आप ही के इंतजार का और फिर आप ही से मुलाकात का प्रोग्राम है। यकीन करो शाजिया, मुझे तुम्हारे इस प्रोग्राम का भी पहले से इल्म था। ओह नो, यानी कि आप मुस्तकबिल का हाल भी जानती हैं? हाँ मुझे माजी हाल मुस्तकबिल सारे टेंसेस जुबानी याद हैं। अच्छा सुनो, मैं शाम को अपनी सहेली नाहिद को भी अपने साथ ला रही हूँ, ठीक है? हाँ हाँ जरूर लाएगा, मैं इंतजार करूंगी। अच्छा ठीक है, तुम जरूर इंतजार करना। हाँ ओके, खुदाफिज। बाय। तुम किधर आ रहे हो फाइल्स उठाए? वो बेगम साहबा जी, ये ना जी साहब जी का घर का काम है जी। साहब आ गए? हाँ जी आ गए। यस साहब आ गए। आप किधर हैं जी, जल्दी कैसे आ गए? वो आलिया मैं आज जल्दी फारिग हो गया था, मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे पास जाया जाए, वैसे भी मैं तुम्हारे बगैर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। कुछ यकीन सा नहीं आ रहा मुझे। लो उसमें यकीन ना आने वाली कौन सी बात है भाई, मेरे साथ के जो मैनेजर्स हैं वो अपने लिए कितने कितने दौरों का अरेंज करते हैं, TADA बनाते हैं, और मैं टालता रहता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे बगैर वहशत सी होती है। अमजद फिर तो मुझसे गलती हो गई आज। गलती? कौन सी गलती? वो ना मैंने सोचा कि आप ऑफिस से देर से आएंगे तो मैंने शाजिया को फोन कर दिया, मैंने उसे कह दिया कि मैं और नाहिद शाम को उसके घर जाएंगे। तो तुम चली जाना ना, इस तरह शाजिया की तनहाई भी दूर हो जाएगी और मैं उतनी देर तक ये फाइल देखता रहूंगा। नहीं नहीं, मैं उसे कह दूंगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या गजब कर रही हो तुम, झूठ बोला कि वो भी दो दो। अमजद कुछ नहीं होता ना, चले मैं साफ साफ कह देती हूँ, मैं कह देती हूँ कि अमजद घर पे आए हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा कि उन्हें अकेले छोड़ूं। नहीं बिल्कुल नहीं भाई, मेरा सारे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तुम चली जाना जाओ। कुछ नहीं होता ना भाई आलिया, इस वक्त मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम ऐसा करो गुलामों से कोई कप चाय की प्याली पिलाए मुझे। चलो अच्छा मैं खुद बना के लाऊं। मेरी वो हेलो। हाँ मैं अमजद बोल रहा हूँ। सुनो यार एक गड़बड़ हो गई है। हाँ हाँ गड़बड़ के बगैर तो तेरी जिंदगी नामकमल रहती है, बता क्या गड़बड़ हुई है? यार मेरी बात तो सुनो, वो तुम ऐसा करो तुम जहीर के घर फौरन फोन कर दो और उनसे कहना कि आलिया अगर फोन करे ना तो कोई फोन ना उठाए, वरना आलिया उनको कह देगी कि वो नहीं आ रही। ओहो तो उसको फोन करके तू खुद ही क्यों नहीं कह देता, नाक को उल्टी तरफ से क्यों पकड़ रहा है? ओहो यार मैं नाक सीधी तरह से पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नाक जो है वो मेरे हाथ ही नहीं आ रही, मेरा मतलब है कि जहीर फोन नहीं उठा रहा। अच्छा अच्छा घबराने की जरूरत नहीं है जोरू के गुलाम, मैं खुद ही फोन करके कह देता हूँ शाजिया भाभी से, ठीक है? हाँ ठीक है ओके बाय। आपके आने की इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। वो तो तुम्हारी खिली हुई बाछों से पता चल रहा है, तुम्हें मुंह से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, दिल में जो कुछ हो तो चेहरे से नजर आ ही जाता है। असल में ये जो हमारे शौहर है ना, ये बड़े वो हैं। हाँ खुद तो मिलते रहते हैं, हंसते रहते हैं, कह गए लगाते रहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि बीवियां बेचारियां हसरतों की मारियां घर में ही कैद रहे, इनका इंतजार करती रहे, कुड़ती रहे बैठ के, बल्कि कुड़ कुड़ कर कौड़ी होती रहे। हालांकि आप जानती हैं आलिया भाभी, यहाँ जिसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती वो छठ दूसरे मुल्कों की सैर को निकल जाता है। हाँ अब देख लो ये भी फैशनों में से एक फैशन सा बन गया। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि औरतों को भी अब मुनज्जम होना चाहिए और मर्दों को आईना दिखाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हर औरत के पर्स में आईना तो होता ही है। हद होती है भाई, मर्द अगर लतीफा सुनाएगा तो बीवी या सास का, अगर किसी पे तंस करेगा तो औरत पे, और अगर किसी को हकीर जानेगा तो औरत को। ये तो वही बात होगी ना कि कानी मुझे भाई भी ना और कानी बिना चैन आए भी ना। एक से पीछा छुड़ाएंगे तो दूसरे के पीछे पड़ जाएंगे। हाँ अगर फिल्म देखनी हो ना तो ये नहीं चाहेंगे कि बीवी साथ हो, ये जरूर चाहेंगे कि दोस्त हो साथ। और अगर कहीं पार्टी में जाएंगे तो दोस्तों के हमराह। पहले भूख लगती थी तो दौड़े दौड़े घर पहुंचते थे, अब भूख लगती है तो वही दुकान पर खड़े खड़े ब्रोस्ट और चिप्स उड़ा जाते, और अगर कहीं प्यास लगे तो ठंडी बोतल खटाखट पी लेते।
मेरा बस चले ना तो मैं सीधी अमेरिका चली जाऊं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा डालू इन मर्दों के रवैये के खिलाफ। हाँ, बल्कि वहां तो तुम्हारी कॉन्फ्रेंस फौरन टीवी पर दिखा भी देंगे। हाँ, आपका बयान भी फौरन छप जाएगा आपकी तस्वीर के साथ मुख्तलिफ ज़मीनों में। लेकिन देख लेना, मैं जब वापस आऊंगी ना तो वैसे के वैसे ही होंगे, एहसान भाई भी और ज़हीर भाई भी। चले, दिल का कुछ बोझ तो हल्का हो जाएगा ना। खैर, दिल का बोझ तो अब भी कुछ हल्का हो ही गया है। ये भाभी, अब कोई और बात करें ना। हाँ, शौहर के बाद औरत का दूसरा बड़ा मसला है नौकर, जो ये चाहता है कि काम भी ना करना पड़े, तनख्वाह दे दीजिए उसे। हाय हाय, मैं तो बातों बातों में भूल गई कि नौकरानी से कहूँ आपके लिए कुछ चाय वगैरह तो लेकर आए। चाय नहीं, इस वक्त तो ठंडे का। नहीं नहीं, चाय ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चले, ठंडी चाय ले आऊंगी, ठंडी और गर्म दोनों मिक्स हो जाएगी। हाँ, हेलो। हेलो जुबैर, मैं अमजद बोल रहा हूँ यार। यार मेरे पास गाड़ी नहीं है। यार तू मुझे क्यों इतला दे रहा है? जल्दी से 15 पे फोन कर ताकि वो तेरी गाड़ी चोरी होने की खबर वायरल कर दे। और ये जो पुलिस मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में सड़कों पे फिर रही है, ये लोगों की गाड़ियों में ताकने झांकने के बजाय नंबर्स पे ध्यान दे। और जो ही तेरी गाड़ी का नंबर इनके सामने आएगा, ये उसे बमाई ड्राइवर थाने पहुंचा देंगे। ओ भाई, मेरी गाड़ी चोरी नहीं हुई, आलिया लेके गई है। अच्छा यार अमजद, मैं तो कहता हूँ तू फिर भी इमरजेंसी पुलिस को इतला दे दे। देखो देखो देखो, तुम ख्यालों में ना बहुत दूर निकल गए हो। जरा इस बात पे गौर करो कि मैं बेकार खड़ा हूँ, बेकार। यार तो खड़े क्यों हो? जल्दी से तैयार होकर यहाँ आ जाओ, यहाँ तो मेहमान आना भी शुरू हो गए। और यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, मेरे पास गाड़ी नहीं है यार। गाड़ी गाड़ी चार पहियों वाली गाड़ी। यार कार नहीं है तो किसी रिक्शा या टैक्सी वगैरह में तशरीफ का टोकरा रखो और उस टोकरे को इधर ले आओ। यार वो टैक्सी या रिक्शे के लिए मेरे पास किराया नहीं है। आलिया अपना पर्स साथ ले गई है और मेरी जेब जो है वो खाली है। आय हाय, तो ये भी कोई मसला नहीं भाई, तू जल्दी से यहाँ आ जा, हम यहाँ से एक एक दो दो रुपये चंदा जमा करके टैक्सी वाले को दे देंगे। नहीं नहीं यार, इससे मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। तुम ऐसे करो कि किसी ऐसे मेहमान को लेके आ जाओ जिसके पास कार हो, उसको भेज दो मुझे लेने के लिए। ठीक है, मैं फिर कोई गाड़ी वाला मेहमान ढूंढता हूँ, फिर उसे तुम्हारे घर का पता समझाता हूँ और फिर वो तुम्हारा घर ढूंढेगा, फिर तुम उसके साथ आ जाना। और यार अगर इतना सारा वक्त इतनी ज़्यादा चीज़ों को ढूंढने में लग गया तो मेरी रूह बेचारी तो भूखी प्यासी मर जाएगी, और तुम खुद क्यों नहीं लेने आ जाते मुझे? अच्छा आ, 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 तो ये भी कोई मसला नहीं यार, मैं खुद ही आ जाता हूँ तुम्हें लेने। हाँ जल्दी आओ, मैं बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बाय। ओके बाय बाय बाय। पहले मैं लतीफा सुनाती हूँ। हाँ? सुनाओ तो। अच्छा, सुनाओ। एक आदमी होता है ना, वो अपने दोस्त को बंगला दिखा रहा होता है। अच्छा। तो कहता है ये जो नीली टाइलों वाला तालाब है ना, इसके नलों में गर्म पानी आता है, इसमें हम सर्दियों में नहाया करेंगे। और ये जो सुरख टाइलों वाला तालाब है ना, इसके नलों में ठंडा पानी आता है, इसमें हम गर्मियों में नहाया करेंगे। और दोस्त ने कहा कि ये जो तीसरा तालाब है जिसमें अभी तक नल ही नहीं लगे, ये किस लिए बनवाया? तो कहने लगा, कभी कभी नहाने को नहीं भी दिल करता ना। अब मैं सुनाऊं? चलो मैं सुनाती हूं। सुनो भाई, एक शख्स बिस्तर पे लेटा आखिरी सांसें ले रहा था। अच्छा। उसका बिजनेस पार्टनर उसका हाथ थामे उसके पास अफसुरदा बैठा था। इतने में मरीज कहने लगा, यार मैं मरने से पहले एक गुनाह का एतराफ करना चाहता हूँ ताकि मेरा दम आसानी से निकल सके। यार तुम्हें याद होगा, फैक्ट्री में मजदूरों ने तुम्हारे रवैये के खिलाफ हड़ताल के दौरान तुम्हारी फैक्ट्री को आग लगा दी थी और इसलिए सारा नुकसान तुम्हें उठाना पड़ा था। तो यार उस हड़ताल के लिए मजदूरों को मैंने उकसाया था, इसलिए तो मुझे माफ कर देना। ये सुनकर उसका बिजनेस पार्टनर कहने लगा, यार एक गुनाह का मैं भी इतराफ करना चाहता हूँ ताकि तुम भी मुझे माफ कर दो। वो जिस जहर की वजह से तुम मर रहे हो ना, वो जहर तुम्हें मैंने दिया है। कैसा था? चलो भाई अब मेरी बारी है। चलो ठीक है। एक खातून जिसका शौहर अल्लाह को प्यारा हो गया ना, वो इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस गई कि रकम लेकर आऊं। सारे कागजात देखने के बाद अफसर कहने लगा कि मोहतरमा, आपके सर से शोहर का साया उठ गया, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। ये सुनकर मोहतरमा क्या कहने लगी कि बस मर्दों में यही तो एक खराबी है कि जब किसी औरत को रकम मिलने लगे इन्हें अफसोस शुरू हो जाते हैं। बड़ा मजा आ रहा है, शाजिया मंजूर गाना गा रही है ना। और मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा था कि मैं इन बेशकूरी लड़कियों के गाने नहीं सुन सकता। यार अमजद, म्यूजिशियन तमाम रेडी हैं, जो ही गुलुगारा रेडी होकर आती है उसके मेकअप का फाइनल कोट चल रहा है।
तो तुम्हारी पसंद के नगमे फिजा में गूंजना शुरू हो जाएंगे और तुम्हारी गूंजना शुरू हो जाएगी। हाय, अगर उससे पहले कि आलिया घर पहुंच गई तो फिर मेरी रूह झूमना शुरू हो जाएगी और आलिया की आवाज गूंजना शुरू हो जाएगी। अमजद अमजद मेरे भाई मेरे दोस्त, शाजिया ने पूरे 7 कोर्सेज का डिनर तैयार किया हुआ और सूप से लेके ग्रीन टी तक हर चीज में से भाप निकली होगी। भाप समझता है ना? हाँ। हर चीज को ठंडा होते होते थोड़ा वक्त लगेगा और ठंडा होना तो बात की बात। पहली बात तो ये है कि अभी तक खाना शुरू ही नहीं हुआ ना, तू देख ले। फिक्र मत कर यार। अच्छा आलिया भाभी, हमने आपकी मीठी मीठी बातें भी सुन ली और तबादला ख्याल भी हो गया। हाँ। अब आप हमें अपनी खूबसूरती का राज तो बताएं। मेरी खूबसूरती का राज बस शाजिया यही है, मैं बहुत खुश रहती हूँ। हाँ शाजिया, और इसकी खुशी का राज ये है कि ये अपनी उंगलियों पर अमजद भाई को टुमक टुमक नचाती है। अच्छा अच्छा, इसीलिए इन्होंने अमजद भाई को ठुमकाने के लिए लंबे लंबे नाखून रखे हुए हैं। मेरी मानो ना ही तो तुम भी अपने नेल्स बढ़ा लो, हो सकता है तुम्हें एहसान भाई की सेक्रेटरी का मुंह ही नोचना पड़ जाए। मेरा ख्याल है आलिया भाभी, आपकी खूबसूरती का राज ये है कि आप कम खाती हैं, लेकिन मैं फिर भी खाना लगवा देती हूँ। खाने का तो कोई जिक्र नहीं हुआ था शासिया। नहीं, खाना खाने बैठ गई तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी हमें। नहीं, सुबैर भाई ने तो कहा था कि मैं और राहत भाई तो अमजद भाई के साथ खाना खाएंगे और आप नाहिद भाभी और आलिया भाभी को खाने पर इनवाइट कर लेना। नहीं, अमजद भाई तो आलिया के बगैर खाने नहीं खाते। अमजद ने तो मुझसे कोई जिक्र नहीं किया, वो तो घर पे हैं। वो उठो ना ही, चलें घर चलें। अरे अरे आलिया भाभी, ये क्या जुल्म कर रही हैं आप। देखो शाजिया, खाने का जिक्र ना तुमने मुझसे किया था और ना ही किसी और ने, इसलिए हम जा रहे हैं, उठो ना। अच्छा तुम ठीक कह रही, चलो चलो आ जाओ। खुदा हाफिज़। सारा खाना मुझे खाना पड़ेगा। दाची वाले अमोर मोहार वे, दाची वाले अमोर मोहार वे। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। वो शुक्र है जी कि आप आ गई, वरना मैं तो घबरा ही गया था जी। क्यों, साहब किधर है? वो तो पता नहीं जी किधर गए हैं। उन्हीं का फोन होगा। हेलो। हाय आलिया, आज की तो सारी मेहनत ही जाया हो गई। क्यों, एहसान भाई की सेक्रेटरी भी आई बैठी है उनके साथ? अरे नहीं, एहसान तो अभी ऑफिस से नहीं आए। खैर तुम सुनाओ, अमजद भाई उदास तो नहीं होगी तुम्हारे बगैर? हाँ, कुछ ना पूछो, बेहद उदास हैं। इतने मोटे मोटे आंसू आए हैं उनकी आंखों में। आलिया तुम कितनी खुशकिस्मत हो। अच्छा चलो अब जाके ना जल्दी से अमजद भाई को मना लो तुम। हाँ मना ही तो रही हूँ कब से उन्हें, अब मान भी जाइए ना अमजद। अमजद देखे ना, अब माने भी, हंसे हंसे, वो देखो हंस दिए, बस हंस दिए। बस ठीक ही हो गया। यार राहत, गजब हो गया भाई मेरे, गजब हो गया। किसका फोन? कोई शादिया भाभी का फोन था, वो कह रहे हैं कि आलिया भाभी वहां से खाना खाने के बगैर ही निकल आएंगे और सीधी इधर आ रही है। क्या बात कर रहा है, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहा हूँ यार, अब क्या करें। सोचने में सारा वक्त जाया कर देगा। चुप कर यार, ऐसा करते हैं इसे भी छुपा लेते हैं और आलिया भाभी आएंगे ना तो उनके ये आएंगे यार। अब भाई मेरे, आलिया भाभी ये सुन के ना हमें कत्ल कर देंगे और हमारी लाशों पे भंगड़े डालेंगे। फिर तो खुद ही क्या करें यार, हम ऐसा करते हैं हम तीनों कहीं छुप जाते हैं। है, तीनों छुप जाते हैं भाई मेरे। बेचारा इतने एक शौक से गाना देखे, फेवरेट गाना यार। भाई मेरे से बहुत देर हो जाएगी। नहीं नहीं आ जा तू, आ जा। भाभी आ रही है। हाँ हाँ, भाभी की चुनिया गाना कितना खूबसूरत गा रही, क्या बात है यार। तेरी बीवी आ रही है, पहले कुछ बताया? पहले बता तो रहा हूँ, भाभी आ रही है। अब आपके क्या करना है? अमजद मेरी बीवी। मैं आपको बताऊं कि आज आपकी सरप्राइज इंस्पेक्शन होगी कि नहीं? ये तुमने मुस्तकबिल का हाल कब से बताना शुरू कर दिया? जब से मेरा हाल और मुस्तकबिल आपसे वाबस्ता हुआ।
से सुने ना, मैं आपको बताती हूँ आपका आज का दिन कैसा गुजरेगा। असद का मौन आलिया, असद नहीं अमजद। आपका स्टार लियो है ना, लियो को असद कहते हैं। अच्छा सुने, किसी दरीना दोस्त से मुलाकात होगी, सारा दिन खुशगवार गुजरेगा लेकिन रात को डिप्रेशन हो जाएगा। लेकिन इन सारी बातों का इंस्पेक्शन से क्या ताल्लुक? इससे साफ जाहिर है कि आज आपकी इंस्पेक्शन जरूर होगी। वो कैसे? देखें, जब से आपने सर्विस स्टार्ट की, यही एमडी आपके एमडी है ना, इसलिए इनके लिए दरीना दोस्त के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। सारा दिन आप ये समझते रहेंगे कि आपके एमडी जो हैं वो आपके काम से बहुत खुश हैं, इसलिए आपका दिन खुशगवार गुजरेगा। लेकिन शाम को जाते हुए वो आपको जबरदस्ती डांट पिला जाएंगे, जिससे आपको डिप्रेशन हो जाएगा। क्या बात है, सारा दिन मैं इनको चाय कॉफी पिलाऊं और शाम के वक्त वो मुझे डांट पिला जाएंगे। होते हैं ना, बाज अफसर ऐसे भी होते हैं। अच्छा ये एक बात तो बताओ, तुम्हारा दिन कैसा गुजरेगा? मेरा अच्छा भी बताओ। सुम्बला? सुम्बला नहीं, मेरी बीवी का नाम आलिया है। अमजद, मेरा स्टाफ विर्गो है, विर्गो को सुम्बला कहते हैं। खाने पीने में एहतियात से काम लें। फिर तो आलिया तुम आज सारा दिन डाइटिंग ही करो। दिन भर तबीयत पे गुस्सा गालिब रहेगा, शाम को ब्लड प्रेशर बढ़ जाने का इम्कान है। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। आप किधर जा रहे हैं, नाश्ता तो कर जाएं। ओहो बाहर बेल बजी, मैं को देख के आता हूँ। अमजद, अमजद।